हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फाइनली तुम्हें मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा चंद्रयान 3। सो ये चंद्रयान किसी चांद पे नहीं जा रहा है, ना मंगल ग्रह पे, ये जा रहा है असम के डिफरेंट लोकेशंस पे एंड ऑल ओवर द इंडिया पे, क्योंकि इसका थीम इतना खूबसूरत और इतना इंटरेस्टिंग है कि इसने सल्चर में सभी लोगों को ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट किया है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने चांद पे सक्सेसफुल लैंड की है, वैसे ही इस चंद्रयान ने सभी लोगों के दिल पे खूबसूरत सी लैंडिंग की है। बिकॉज दिस इज़ रियली अमेजिंग गाइज, बिकॉज सिलचर पे मेरे आने का कुछ प्लान तो था नहीं, बट मैं सडनली आ गया एंड जब मैंने इसे देखा, इट इज़ लुकिंग रियली अमेजिंग। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, और अभी बज रहे हैं सुबह के अराउंड 5:30 मे बी, एंड दैट्स द ओनली रीज़न ये इतना खाली, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है एनी टाइम। सो चलो इसके अंदर चल के देखते हैं। सुंदर थीम यहाँ पे, थीम के साथ ही बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति है। मैंने प्लान किया कि अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते हैं और शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत चंद्रयान के साथ, सिलचर के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को विजिट करते हैं विद अ डिफरेंट राइड। एंड यू नो दैट जब मैं डिफरेंट राइड बोलता हूँ तो वो किस लेवल की होती है। तो ये रहा चंद्रयान और अब हम चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के सिलचर पे। चलो लेट्स गो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Undoubtedly wonderful theme guys. यहाँ पे केदारनाथ का थीम बना है मेरी गली के सामने तारापुर पे एंड इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सिलचर के सबसे आइकॉनिक प्लेस में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, अंबिकापट्टी पॉइंट। चलो देखते हैं यहाँ पे भी कितना क्राउड हो रहा है। दैट्स द ओनली रीज़न यहाँ पे तुम लोगों को इतना कम क्राउड नज़र आ रहा है। अदरवाइज ये सिलचर की वन ऑफ द पॉपुलर प्लेस में से एक है अंबिकापट्टी पॉइंट, और यहाँ पे ही चौरंगी पॉइंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है सिलचर का। सारा यंग क्राउड यहाँ पे तुमको मिलेगा दुर्गा पूजा के टाइम पे, एंड दिस इज सच अ वंडरफुल प्लेस मैन। अभी हम फटाफट से एक व्यू लेते हैं। चलो चलो फटाफट सेकंड लोकेशन पे पहुंचते हैं, बिकॉज इट्स सो फार एंड वी नीड टू रीच। बारिश फिर से आने से पहले हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा एंड इट विल टेक मोर देन 30 मिनट्स टू रीच दैट प्लेस। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। अच्छा हुआ हमने ज़्यादा क्राउडेड टाइम पे वीडियो नहीं बनाया, वीडियो में मज़ा तो बहुत आता बट बनाने में काफ़ी तकलीफ होती, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। एंट्री के लिए काफ़ी लंबा चक्कर काटना पड़ेगा एंड लिटरली आई डोंट लाइक इट। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड इट्स लुकिंग रियली वंडरफुल मैन। बहुत ही खूबसूरत सा थीम।
दो दिन के लिए शायद फिर से एक्सटेंड भी कर दिया ताकि लोग उसे प्रॉपरली विजिट कर सके। लगातार नो एंट्री को फेस करते हुए 2-3-4 किलोमीटर वॉक करके आना पड़ता है यहाँ पे। थैंक गॉड हम अर्ली मॉर्निंग आए हैं इसलिए हमें मिल गया, वो भी दशमी के दिन। बट यहाँ का क्राउड, ट्रस्ट मी गाइज, अगर तुम लोग इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो और अगर तुम सिलचर आते हो दुर्गा पूजा में, तो डेफिनेटली तुम इस जगह को खुद से ही विजिट करने वाले हो। यहाँ का एक काफ़ी स्पेशल थीम है, यहाँ पे नौ दुर्गा के अवतारों को दिखाया गया है। एंड ये मुझे इस बार का काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन थीम लगा, बिकॉज यहाँ पे दुर्गा के नौ अवतारों को यहाँ दिखाया गया है। एंड दिस इज रियली अमेजिंग गाइस, तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ सब लोग। चलो हम हो गया हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं एज वन एज पॉसिबल, जितना जल्दी पहुंच सके। एंड दिस इज सीरियसली अल्टीमेट गाइस, वंडरफुल। टिकट कटवा लिया गाइस, आई रियली लव इट। ये जो थीम यूज किया है ये लंदन ब्रिज का थीम है। बेसिकली ये ब्रिज क्या होता है कि जब शिप्स क्रॉस करती हैं तो वो ब्रिज मेटल में से खुल जाता है, तो वो इसकी स्पेशलिटी है। दैट्स द ओनली रीजन यहाँ पे ऐसा एक खूबसूरत सा थीम बनाया दुर्गा पूजा। ओह माय गॉड, सॉरी गाइस, मैं लंदन ब्रिज में ज़्यादा देर के लिए नहीं था क्योंकि बारिश आने वाली है बहुत तेज़, और अगर बारिश आ गई तो मैं बाकी को कवर नहीं कर पाऊँगा। सो दैट्स द ओनली रीज़न मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है, तो मैंने ज़्यादा वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि अभी हमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग पेंडल्स को विजिट करना है। तो गाइज अभी हम लोग एक बहुत खूबसूरत से थीम को एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि एक राइडर के लिए ऐसा थीम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है जो कि रोड सेफ्टी या फिर उसकी ट्रैवलिंग सेफ्टी या किसी की भी सेफ्टी से रिलेटेड हो, स्पेशली बाइक राइडिंग से रिलेटेड हो। तो देखो ये वाला थीम बहुत ही ज़बरदस्त है जो इस क्लब ने किया है सिलचर पे, एंड इट इज़ लुकिंग रियली नाइस। पहले यहाँ पे सारे जो साइंस होते हैं रोड सेफ्टी के वो दिए हुए हैं, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे सारे साइंस दिए हुए हैं और अंदर यहाँ पे दिया हुआ है वेयर हेलमेट राइड सेफली। सो दिस इज़ रियली कूल, इस तरीके का जो इनिशिएटिव उठाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या क्लब के तरफ से। सो अभी हम लोग अंदर चल के देखते हैं किस तरीके का थीम है। एंड दिस इज एक्चुअली अमेजिंग गाइस, सीरियसली अगर मैं सिलचर नहीं आया होता तो मैं डेफिनेटली इस खूबसूरत से थीम को मिस कर देता। जस्ट लुक एट दिस यार, इट इज़ लुकिंग रियली अमेजिंग। सो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड, दैट्स रियली नाइस, और इस तरफ में स्कूटी। वेल रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था राइडर्स कम्युनिटी में जिसमें गणेश जी बोलते हैं दैट मुझे रिप्लेसमेंट मिल गया, बट आई डोंट थिंक तुम लोग को रिप्लेसमेंट मिल सकता है, तो वेयर हेलमेट वेन एवर यू राइड। सो दिस इज अ सच अ वंडरफुल थीम फॉर दिस, बहुत ही खूबसूरत सा क्लब है, एंड बिग थम्स अप फॉर दिस क्लब। ये देखो यहाँ पे भी देखो जो असुर है उसके हाथ में भी हेलमेट है, एंड गणेश जी के हाथ में भी हेलमेट है, एंड यहाँ पे सब लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है। आई जस्ट लव इट। चलो अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम, मुझे जल्दी से दूसरी जगह में पहुँचना है, बिकॉज मैंने रात के समय लाइटिंग के साथ बहुत खूबसूरत वीडियो बना सकता था यहाँ पे, और इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है किस लेवल का क्राउड होता है यहाँ पे। बट गाइज मैं भीड़ में नहीं जा सकता, डिसाइडेड कि मैं मॉर्निंग पे निकलूंगा और सिलचर की मोस्ट ऑफ द पॉपुलर प्लेसेस को कवर करने की कोशिश करूंगा, वही मैंने एग्जैक्टली किया है।
So it is really amazing. Big thumbs up for this club. What a lovely theme, man. Seriously, बहुत ही खूबसूरत माहेश्वरी साम्राज्य टाइप का थीम आ रहा है. And it is really wonderful. It's looking really nice. बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है गाइस, सीरियसली. बहुत ही खूबसूरत थीम है गाइस, सीरियसली बहुत ही खूबसूरत. अभी हम लोग सिलोंगपट्टी पूजा के यहाँ पे एंड यहाँ पे जबरदस्त सॉन्ग चल रहा है. देखो मन काश बन तुलछे जे शारी कबे ढाक देबे डाक दिन गुंछे जे तारी. देखो मन काश बन तुलछे जे शारी कबे ढाक देवे डाक दिन गुंछे जे तारे. शिवली माखा गल्प आगमनीर सुर कुमार टुलिर गंध छड़ालो. बोलो बोलो दुख गायलो, बोलो बोलो दुख गायलो. जल्दी जल्दी निकलते अगले पेंडल के तरफ क्योंकि फिर लेट हो जाएगा और बारिश भी शुरू हो चुकी है. आई होप तुम लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा. लेट्स गो इनसाइड. ओह माय गॉड, अभी तुम लोगों को बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति दिखने वाली है. जस्ट लुक एट दिस. वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरा. ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. मैं उदारबन करने के बाद वापस जाने वाला था बट उदारबन के आगे ही ये वाला टेम्पल है जहाँ पे पूजा होती है. एंड दिस इज़ अमेजिंग गाइस, बहुत ही खूबसूरत और वंडरफुल मूर्ति है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ट्रस्ट मी. पूरे सिलचर का एक चक्कर लगाने के बाद विद चंद्रयान हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे राइस मिल पे. और यहाँ का थीम भी लगभग वो महेश्वरी टाइप का थीम है एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस. जस्ट लुक एट दिस. It is actually amazingly looking really beautiful. Actually looking really beautiful. और ये जो theme है महेश्वरी something type of जो कि अभी तक मैंने more than 3 to 4 temp पूजा के pandals पे same theme देखा है और मुझे really अच्छा लगा है because एक different look दिया है माँ दुर्गा को and it's looking really amazingly beautiful and specially सिलचर आसाम पे जो पूजा हो रही है वो हर जगह इतनी खूबसूरत हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं. देख मन काश बन तुलछे जे शारी कबे ढाक देबे डाक दिन गुंछे जे तारी. देख मन काश बन तुलछे जे शारी कबे ढाक देबे डाक दिन गुंछे जे तारी. शिवली माखा गल्प आगमनीर सुर कुमार टुलिर गंध छड़ालो. बोलो बोलो दुख गायलो, बोलो बोलो दुख गायलो, दुख गायलो, दुख गायलो, बोलो बोलो दुख गायलो, दुख गायलो, दुख गायलो. गिरि नंदिनी नंदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनी. ये भी बहुत ही खूबसूरत सा थीम लगा है, लूडो का थीम.
ओके तो चलो अंदर चल के देखते हैं कैसा। मेरा कैमरा बार बार शेक हो जा रहा है गाइस। तो ओ शिट, अंदर लाइट्स ऑफ हो गई है। आई होप कि हमारी लाइट काम कर पाए। हमने अपनी लाइट जला ली है। हमारी लाइट से जितना दिखता है उतना ही दिखेगा, बिकॉज आई डोंट नो, सुबह सुबह इस लाइट पेंडल की लाइट को बंद कर दिया गया है। जस्ट लुक एट द थीम गाइस, आई नो दिस इज रियली अमेजिंग, बट मुझे एक चीज अच्छा नहीं लग रहा है कि लाइट को बंद कर दिया। हमारे कैमरे के साथ जो एक्सटर्नल लाइट है GoPro की, बस वही रिकॉर्ड कर पा रही है। एंड लाइट किस लिए बंद कर दिया? सुबह 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 लाया पंडित है। अच्छा, तो सवेरे सवेरे इस पैंडल की लाइट को बंद कर दिया। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न बिहाइंड दैट, बट दिस इज रियली अमेजिंग। जितना हो सका उतना रिकॉर्ड किया। अभी निकलते हैं आगे के लिए। आई होप तुम लोग को पसंद आएगा गाइस। सक्सेसफुली हमारे चंद्रयान ने लैंड कर लिया है, जैसे तुम लोग को नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे। ये देखो हमारा रोवर उतर चुका है इसके अंदर से। ये हमारी सैटेलाइट है एंड ये सैटेलाइट के अंदर से ये रोवर उतर के आया है हमारा। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना अगर तुम्हें पसंद आता है तो, एंड दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करना। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे सिलचर का चक्कर लगाया, उदारबन का चक्कर लगाया, वन ऑफ द फेमस लोकेशन को हमने विजिट किया, थीम को कैप्चर किया। एंड आई एम रियली हैप्पी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड इसलिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बना रहा हूँ। मैं एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ फॉर माई वर्ल्ड राइड। एंड तुम लोग वीडियो इन्जॉय कर चुके हो, चलो स्टील मैं ट्राई करता हूँ वीडियो के एंड पे दशमी का कुछ छोटा सा थीम डाल दूँ। मूर्ति जब भसान के लिए जाता है, मतलब नदी पे जब उसे समर्पित करने के लिए निकलती है गाड़ियाँ, उसका एक छोटा सा हाईलाइट देख लो अगर नज़र आ रहा होगा तुमको। मैं ट्राई करूँगा डालने का, आई एम नॉट श्योर कि मैं दिल पर मूँगा। तो अभी के लिए दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब माई चैनल, दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। मैं भीड़ में नहीं निकला लाइटिंग थीम्स दिखाने के लिए, बट अच्छा ही हुआ हम सुबह निकले अपने चंद्रयान पे और पूरे सिलचर का शानदार चक्कर लगाते हुए हमने लैंड कर दिया रोवर को। Oh,